गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सांख्यिकी से ही केंद्रीय प्रवृत्ति माप के दूसरे प्रकार पे हम पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। दूसरा प्रकार है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का, वो है माध्यिका, जिसको हम मीडियन कहते हैं। माध्यिका, इससे पहले हमने समांतर माध्य पढ़ा। समांतर माध्य में समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या का भाग लगाकर हम समांतर माध्य ज्ञात करते थे, परंतु आज हम माध्यिका को देखेंगे। माध्यिका की परिभाषा है कि किसी श्रेणी या समूह के पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर बीच के पद के मान को उस श्रेणी की माध्यिका कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में यदि श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी में यदि पदों की संख्या n हो तो माध्यिका बराबर होता है n धन एक बटा दो वा पद, जब n जो होता है वो एक विषम संख्या हो, n विषम हो तब हम कहते हैं कि माध्यिका बराबर n धन एक बटा दो वा पद जब n विषम। इसी प्रकार माध्यिका बराबर होता है एक बटे दो n बटे दो वा पद धन n बटा दो धन एक वा पद जब n बराबर सम हो। ध्यान रखेंगे हम कि सूत्र का प्रयोग तभी करेंगे जब माध्यिका में n का मान, यदि पदों की संख्या का मान यदि विषम में आएगा तब हम n धन एक बटे दो, और यदि n का मान यदि सम होगा तब हम ऐसी स्थिति में एक बटे दो n बटे दो वा पद धन n बटे दो धन एक वा पद के रूप में हम उसको ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार माध्यिका का एक और सूत्र होता है, जब असतत श्रेणी के रूप में दिया होगा तब माध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f और n अपॉन 2 माइनस कैपिटल F। यहाँ L1 और L2 जो होता है, L1 जो होता है वो निम्नतम सीमा और L2 जो होता है वो उच्चतम सीमा F जो होता है वो बारंबारता की आवृत्ति और
और कैपिटल एफ जो होता है वो माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति, माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति। ये सभी मानों को हम ज्ञात करने के बाद माध्यिका का ये सूत्र लगाते हैं, जब असतत श्रेणी में आता है तब हम L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f कैपिटल N अपॉन 2 माइनस कैपिटल F के रूप में इस फार्मूले में मान को रखेंगे और माध्यिका ज्ञात करेंगे। देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्न दिया है निम्न श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए, यदि श्रेणी दिया है 60 63 44 साठ तिरसठ चौवालीस तैंतीस इकसठ अड़तालीस तैंतीस इकसठ अड़तालीस और इक्यावन। इस तरीके से दिया हुआ है और इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में जमाएंगे। इसको पदों को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को हम सामने रखेंगे, उसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए हम आगे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या के रूप में हमारे पास है 33, फिर 44, फिर 48, फिर 51, उसके बाद 60, उसके बाद 61 और उसके बाद 63। आरोही क्रम में जमाने के बाद हम यहाँ पर से पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या n बराबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या है हमारे पास 7, अर्थात n जो है वो हमारे पास क्या है, विषम के रूप में है। n जो है हमारे पास वो विषम के रूप में है, और जब विषम के रूप में दिया रहता है तब माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर होता है n धन 1 बटे 2 वा पद। जब n का मान विषम दिया हो तब माध्यिका का सूत्र होता है n धन 1 बटे 2 वा पद। हम इस सूत्र में माध्यिका का ज्ञात करने के लिए मान रखते हैं माध्यिका बराबर हो जाएगा 7 धन 1 बटा 2 वा पद। क्या हो जाएगा, 8 बटे 2 वा पद,
अर्थात चौथा पद, और चौथा पद है हमारे पास 1, 2, 3, 4, तो चौथा पद है हमारे पास माध्यिका बराबर, चौथा पद है हमारे पास 51, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब n का मान विषम दिया हो तब n धन 1/2 वां पद को लेते हैं, और n धन 1/2 वां पद हमारे पास आया चौथा पद। तो चौथा पद जब हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाए रहेंगे वहाँ से हम गिनेंगे तो चौथा पद आता है 1, 2, 3, 4 जो कि है 51। इस तरीके से माध्यिका आ जाएगा इसका 51। ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न हैं। दस विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न हैं 25, 40, 35 25, 40, 35, 24, 30, 15 18, 48, 26 और 36। यहाँ पर 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है हमको। तो हम सबसे पहले पदों को आरोही क्रम पे लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले छोटा पद, सबसे छोटा क्या है 15, फिर है 18, फिर 24, उसके बाद 15, 18, 24, 25 25 के बाद है 26, 26 के बाद आएगा 30, 30 के बाद आ जाएगा 35 और 36, उसके बाद 40 और 48, इस तरीके से हमारे पास 10 विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक दिए गए हैं उसको आरोही क्रम में लिख लिए। आरोही क्रम में लिखने में हम ये देखते हैं कि पदों की संख्या n बराबर हमारे पास कितना आ गया 10, जो कि क्या है सम है। अब जब पदों की संख्या सम है तब हमारे पास माध्यिका का सूत्र है
माध्यिका बराबर होता है, पदों की संख्या विषम में हम लोग क्या ले रहे थे कि एन धन एक बटा दो वह पद, परंतु यहाँ पर हम माध्यिका का सूत्र दूसरा लेंगे क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या सम में दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि पदों की संख्या सम और विषम अलग अलग है तो सूत्र भी अलग अलग लगेंगे। तो पदों की संख्या n बराबर 10 है, सम है जो कि, तो सम होने के नाते हम यहाँ सूत्र लगाएंगे एक बटे दो एन बटे दो वा पद धन n बटे दो धन एक वा पद। ये सूत्र लगेगा जब पदों की संख्या सम अर्थात 10 होगी तब। आगे देखते हैं माध्यिका बराबर होगा एक बटा दो एन बटे दो वा पद अर्थात दस बटे दो वा पद धन दस बटे दो धन एक वा पद। क्या हो जाएगा एक बटे दो पांचवा पद धन छठवां पद। तो पंचे दस पांचवा पद और उधर दो पंचे दस पांच धन एक छठवां पद। तब यहाँ से हमारे पास एक बटे दो पांचवा पद कौन सा है, एक दो तीन चार पाँच, पांचवा पद अर्थात 26 और धन छठवां पद अर्थात 30। एक बटे दो 26 धन 30। इसके बाद हम हो जाएगा एक बटे दो 30, 20, 50, 6, 56 और हम इसको 56 को 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 2 × 4 और 2 × 8, 16, 28। माध्यिका बराबर हो जाएगा 28। ये इसका आंसर होगा जब पदों की संख्या n बराबर दिया होगा सम के रूप में। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए।
निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। सारणी दी हुई है, आकार और आवृत्ति, आकार और आवृत्ति दी गई है। आकार में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और आवृत्ति दी गई है 2, 1, 5, 4 2, 1, 5, 4 6, 1, 3 6, 1, 3 जब इस तरीके से प्रश्न दिया गया दिया रहेगा सारणी के रूप में, आवृत्ति भी दी गई रहेगी, तो आप माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले संचयी बारंबारता अर्थात संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, संचयी बारंबारता के रूप में आवृत्ति 2 का 2 रखेंगे, उसके बाद नीचे की आवृत्ति को क्रमशः जोड़ते चले जाते हैं। 2 को 1 से जोड़े तो हो गया 3, 3 को 5 से जोड़ दिए तो हो गया 8, 8 को 4 से जोड़ दिए तो 8, 4, 12, 12 और 6 को जोड़ दिए तो हो गया 18, 18 और 1 हो गया ये 19, और 19 और 3 हो गया हमारे पास 22। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास एन बराबर आ जाता है 22। जब भी हमको इस टाइप का प्रश्न देगा तो हम लोग सबसे पहले वहां से संचयी बारंबारता को ज्ञात करेंगे, और संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद हम आगे के सूत्र का प्रयोग करेंगे, वही एन अपान टू लगाने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम संचयी आवृत्ति से के बीच में देखेंगे कि संचयी आवृत्ति के कौन सी संख्या के बीच में आता है। जिस संख्या के बीच में आएगा उसी का आकार या उसी का पद जो होगा संगत पद वो उसकी माध्यिका होगी। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद हम पदों की संख्या देखते हैं एन बराबर 22। तब यहाँ से हम एन अपॉन टू ज्ञात करते हैं जो कि 22/2 अर्थात 11 आ जाएगा। 11 को हम ये देखते हैं कि संचयी बारंबारता में से कौन से पदों के बीच में आता है 11, तो वो है 12 के बीच में आता है। 11 जो है वो 12 में आता है, तब हम ऐसी स्थिति में लिखते हैं चूंकि 11 संचयी बारंबारता बारह के अंतर्गत आता है, 12 के अंतर्गत आता है, अतः उसके संगत पद दस होगा, अतः उसका संगत पद क्या होगा 10। बारंबारता संचयी बारंबारता 12 के अंतर्गत आता है, जब 12 के अंतर्गत आता है अतः उसका संगत पद क्या हो जाएगा 10। तब हम कहेंगे कि माध्यिका बराबर 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आवृत्ति दी गई हो तब संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति CF हमको ज्ञात करना पड़ता है,
और फिर पदों की संख्या n बटा 2 ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं कि 11 आता है। 11 जो है संचयी बारंबारता 12 के अंतर्गत आता है, इसलिए उसका संगत पद 10 होगा, वही उसकी माध्यिका होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंक निम्न प्रकार से हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंक निम्न प्रकार से हैं। उसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने से पहले हमको सारणी दिया हुआ है, इसमें देखते हैं प्राप्तांक दिया है। ग्यारह, तेरह, सोलह, बाईस, पच्चीस, अट्ठाईस, बारंबारता दी गई है। दो, पांच, नौ, तेरह, आठ, चार, ऐसी स्थिति में हम यहां पर से ज्ञात करेंगे संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली आवृत्ति ज्यों का त्यों, दूसरी आवृत्ति को क्या करेंगे, पांच और दो सात, नौ और सात सोलह, सोलह और तेरह हो जाएगा उनतीस, उनतीस और आठ हो जाएगा सैंतीस, सैंतीस और चार हो जाएगा इकतालीस। तब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि n बराबर हमारे पास इकतालीस आ जाता है। तब हम यहां से n धन एक बटे दो ज्ञात करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इकतालीस धन एक बटा दो अर्थात बयालीस बटा दो, और बयालीस बटे दो मतलब हमारे पास हो गया दो दूनी चार, दो एक कम दो इक्कीस। अब इक्कीस को ये देखते हम कि कौन सी संचयी आवृत्ति के मध्य आता है। इक्कीस जो संचयी बारंबारता, इक्कीस जो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 29 के
बीज आता है अतः माध्यिका माध्यिका बराबर हो जाएगा 29 के संगत पदमान बराबर 29 के संगत पदमान कितना हो जाएगा 22। अतः माध्यिका क्या हो जाएगी 22। ये इसका आंसर हो जाएगा। जब विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हों और बारंबारते दिए गए हों तो संचय की आवृत्ति ज्ञात करने के बाद हम देखते हैं कि n बराबर 41 आ गया तो n धन 1/2 अर्थात 41 धन 1/2 बराबर 42 और 42/2 को हम निकालते हैं तो 21 आता है। 21 जो कि संचयी बारंबारता 29 के मध्य आता है, 29 के मध्य आता है इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगी 29 बारंबारता संचयी बारंबारता 29 के मध्य का 29 का पदमान 22 तो माध्यिका बराबर आ जाएगा 22। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब सारणी दी गई हो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 आयु में वर्षों में दी गई हो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और इसकी आवृत्ति दी गई हो 1, 3, 6, 9, 5 7, 3, 4 यहां से हम ज्ञात करते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम 1, 3 और 1, 4, 6 और 4, 10, 10 और 9, 19, 19 और 5, 24, 24 और 7, 31, 31 और 3, 34 और 34 और 4, 38। इसलिए n बराबर हमारे पास आ जाता है 38। अब हम यहाँ से जब n बराबर 38 आ जाता है तो माध्यिका संख्या हम ज्ञात करते हैं n धन
एक बटा दो अर्थात 38 धन 1 बटा 2 अर्थात 39 बटा 2, और 39 बटे 2 को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ से तो हमारे पास आ जाता है 2 एक कम 2 बचा 1, 2 नहीं 18 बचा 1 2 पंचे 10 19.5 19.5 जो कि संचयी आवृत्ति संचयी आवृत्ति 24 के मध्य आती है। अतः चौबीस संचयी आवृत्ति 24 के संगत पदमान आयु वो हो जाएगा बराबर 18। अतः माध्यिका बराबर 18 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आयु वर्षों में दी गई हो और आवृत्ति दी हो, संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद हम n धन 1 बटे 2 ज्ञात करेंगे जो 19.5 आएगा, और 19.5 जो कि संचयी आवृत्ति 24 के मध्य आता है, अतः संचयी आवृत्ति 24 के संगत मान जो होगा वो 18 होगा, और माध्यिका को हम 18 के रूप में ज्ञात करते हैं। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए जब सारणी दी गई हो अंक वर्ग में अंक वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया हो, और इसकी आवृत्ति या बारंबारता दी गई हो, छः आठ दस ग्यारह, छः आठ दस ग्यारह और 16,
तब हम ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं हम। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए फिर वही प्रक्रिया हम अपनाते हैं, 6, 8 और 6, 14, 14 और 10, 24, 24 और 11, 35 और 35 और 16 हमारे पास हो जाएगा। इक्यावन हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता हमारे पास आ गए 6, 14, 24, 35 और 51। तब हमारे पास हम यहाँ देखते हैं कि n बराबर हमारे पास आ गया है, वो है 51। n बराबर 51 आ गया, तब हम यहाँ से n बटा 2 ज्ञात करते हैं, वो आ जाता है 51/2 अर्थात 25.5। एन बटा दो ज्ञात करते हैं, 51/2 अर्थात 25.5। अब 25.5 हम ये देखते हैं कि यह संचयी बारंबारता के कौन से अंक के बीच आती है, तो 24 में तो नहीं आएगी, 35 में आएगी, इसलिए हम लिखेंगे कि 25.5 संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 35 के मध्य आती है। अतः जब 35 के मध्य आएगी तो उसके सामने वाला वर्ग जो होगा उसके संगत वर्ग जो होगा वो होगा 30 और 40 का, अतः उसके संगत वर्ग जो होगा वो 30 और 40 का। जब 30 और 40 का वर्ग होगा तब हमारे पास L1 बराबर हो जाएगा 30, L2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 40 और स्मॉल f बराबर दे होगा हमारे पास 11 और कैपिटल F बराबर होगा हमारे पास 24। ये 25.5 जब हम n/2 ज्ञात करेंगे तो 25.5 को हम देखेंगे कि कौन सी संचयी बारंबारता के मध्य आती है। जिस भी संचयी बारंबारता के मध्य आएगी वही उसके संगत का वर्ग होगा। तो ये यहाँ पर 25.5 35 के बारंबारता संचयी के बारंबारता के अंतर्गत आता है, अतः 30 और 40 का वर्ग होगा। 30 और 40 के वर्ग में हम ये देखते हैं कि L1 बराबर 30, क्योंकि निम्नतम सीमा हमारे पास L1, उच्चतम सीमा हमारे पास दिया है L2 बराबर 40 और आवृत्ति दी गई हमारे पास F 11 और संचयी आवृत्ति हमारे पास कैपिटल F जो है संचयी बारंबार संचयी आवृत्ति से एक पहले की आवृत्ति अर्थात 24। अब हम इसे सूत्र पे रख देते हैं। हमारे पास सूत्र है माध्यिका का, माध्यिका का सूत्र है हमारे पास L1 + L2 - L1/f
एन अपॉन टू माइनस कैपिटल एफ। एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन स्मॉल एफ कैपिटल एन अपॉन टू माइनस कैपिटल एफ। तो हम यहां से एल वन, एल वन हमारे पास कितना आ गया 30, धन एल टू हमारे पास दिया है 40 माइनस 30 बटा स्मॉल एफ हमारे पास दिया है 11 गुणित एन अपॉन टू मतलब 25.5 माइनस 25.5 माइनस हम यहां से 25.5 माइनस 24 हमारे पास एन अपॉन टू डायरेक्ट दे दिया है 24 25.5 तो 25.5 माइनस 24 लिख लिया। यहां से हो जाएगा 30 धन ये बचेगा 10 बटा 11 कुड़ित 1.5। जब हम इसको गुणा कर देते तो ये हो जाएगा 30 धन 15 बटा 11 और 15 बटे 11 को हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 धन 1.36। 15 बटे 11 को भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 धन 1.36 और हम हल करते हैं तो हमारे पास माध्यिका बराबर आ जाता है 31.36 ये इसका आंसर हो जाएगा। जब अंक वर्ग में दिया हो तब हम देखते हैं कि इसका माध्यिका जो आता है वो 31.36। इसी तरीके से हम माध्यिका से संबंधित कल कुछ और प्रश्न लेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलक मॉड के बारे में। धन्यवाद।